ग्राम से किसान फैमिली में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ AI बैच के कैंडिडेट मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कैसा इन्होंने अनुभव लिया यहाँ आकर, कैसे यहाँ के बारे में इनको जानकारी मिली, सभी के बारे में। अपना नाम बताएंगे। गजेंद्र कुमार नाम हुआ मेरा। कहाँ आपका निवास स्थल हुआ? वैशाली हुआ, मोगा प्रखंड का मेरा घर हुआ, मोगा प्रखंड। इस संस्थान के बारे में, ग्राम से किसान स्कूल के बारे में आपको कैसे पता चला? यूट्यूब के माध्यम से देखे थे और बराबर यूट्यूब हम इसे फॉलो भी कर रहे थे इनका चैनल, तो हमको यहाँ पर अच्छा लगा। और एक दो लड़का भी हमको मिले, लड़का नहीं मतलब जो कॉलेज में गए तो हम लोग पता चला कि यहाँ एक संस्था है, बुल्दारी चक वेटनरी कॉलेज में पता किए तो पता चला कि यहाँ पे है। मतलब पहले से आपको पता था कि यहाँ एक संस्थान है कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए? हाँ, हम यूट्यूब के माध्यम से देखते थे। फिर हम जब वेटनरी कॉलेज गए पता करने के लिए तो वहाँ बोला गया कि नहीं, एक संस्था है वहाँ पे, आप जाइए वहाँ पे अच्छा ट्रेनिंग होता है, आप वहाँ पर आइए। अच्छा, यहाँ पर बैच आपका कब से शुरू हो चुका? ये ऐसे तो 15 से है, लेकिन 15 जनवरी से। ठीक है। और 20 जनवरी से हम लोग आए थे यहाँ पे। अच्छा, क्या फीस लगा आपका? फीस 3,500 है, 500 रजिस्ट्रेशन फी का है और 3,400 है उसमें खाना पीना और उसमें खाना पीना रहना और पढ़ाई सब है। तो यहाँ का हॉस्टल फैसिलिटी कैसा है? हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, यहाँ पे रहने का भी अच्छा व्यवस्था है, यहाँ पे खाने पीने खाने पीने का तो भी अच्छा व्यवस्था है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी आपका लगभग 1 महीना हो चुका है, 1 महीना में आपने क्या क्या यहाँ से पाया? अभी तो 1 महीना थ्योरी पहले हम लोग का चला है और अभी तो 3 दिन से प्रैक्टिकल शुरुआत हुआ है। तो उस 1 महीने में लैब प्रैक्टिकल भी दिया गया? हाँ, लैब प्रैक्टिकल चला है। लैब में क्या क्या करवाया जाता है? लैब में जो विजेना का पार्ट है काट के लाया गया था, मृत पशु का तो वो लाके यहाँ बताया गया। अच्छा, उसको बाइसेक्ट करके बताया जाता है? बताया जाता अच्छा। है। और क्या डमी पे भी कुछ AI करके दिखाया जाता है या करवाया जाता है? हाँ, डमी पे भी है, वहाँ पे जो था वहाँ पे जो लाइव गाय पे भेजने से पहले सब चीज आप लोग को लैब में बता दिया जाता है वो सब कुछ करके। थ्योरी में आपको क्या क्या चीज पढ़ाया गया? थ्योरी में जो उसका पार्ट है, जो थ्योरी का पार्ट है पूरा बताया गया था हम लोगों को। मैंने उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। ठीक है। ये प्रैक्टिकल कब तक चलेगा, जो अभी आप बोल रहे हैं कि 3 दिन से हम प्रैक्टिकल में गए, लाइव पशुओं में प्रैक्टिकल में गए हैं, उसमें कितने दिन और चलेगा प्रैक्टिकल आपको? अभी तो चलेगा 20 मार्च तक चलेगा। ये कितने गाय है यहाँ पे? ये 8-10 गाय है, जिसमें अभी 4 पे हम लोगों को कराया जाता है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल के दौरान सभी चीज बताया जाता है यहाँ पे, जो डॉक्टर से वो बताते हैं आपको कैसे क्या करना? जी जी, सब बताते हैं यहाँ पे। आपने किया 3 दिन में प्रैक्टिकल कुछ? हाँ, 3 दिन में हम किए थे। हाथ डाला आपने? हाँ, डाले भी हैं और थोड़ा सा गन एक बार हुआ है पास, अभी तो शुरुआत है, मतलब बाकी बार फेल रहे। हाँ, अभी शुरुआत। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि इसके बाद का कोर्स का क्या है यहाँ पे, मतलब ये प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा 20 दिन हम लोगों का, फिर जब यहाँ खत्म हो जाएगा तो 2 महीने का OJT के लिए दिया जाएगा। ये OJT क्या? ये ऑन जॉब ट्रेनिंग हो, मतलब हो गया जो ब्लॉक में यहाँ पे सरकारी डॉक्टर जो है वहाँ पे वो हम लोग को सिखाएंगे। मतलब ब्लॉक में आपको भेजा जाएगा TVO के अंडर काम करने के लिए। तो उसका मतलब कोई बच्चे गए हैं पहले भी यहाँ से? यहाँ से जो एक बच्चे गए हैं मोगा ब्लॉक का ही थे, तो वहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि वो गए थे कर रहे हैं? जी। तो क्या आप यहाँ से क्या सपना लेके आए थे और आपको क्या लगता है कि ये आपका सपना सही जगह पर साकार होते हुए आपको दिख रहा है? हाँ, एक है कि एक उम्मीद है, मतलब अच्छा लगा हमको यहाँ पर करने के बाद में। अब यहाँ से आएंगे तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा करके अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में अच्छा करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? वैसे तो हमारा MSc है, MA है। MA जी। ऑनर्स पेपर? HD ऑनर्स है। अच्छा, तो अभी आप करते क्या थे? अभी तो हम फिलहाल में ऐसे ही थे, पटना में तैयारी वगैरह कर रहे थे। अच्छा, तो मैंने पशुपालन में अचानक से स्विच होने का मेन मकसद? हमें अच्छा लगा क्योंकि मेरे भाई साहब है इसमें। अच्छा, क्या करते हैं वो? ये भी वेटनरी में ही है। अच्छा, तो उन्होंने राय दिया या फिर आप खुद से इसमें आना चाहते हैं? वो उनसे इंस्पायर होके हम लोग। अच्छा, खुद उनसे इंस्पायर होके। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके गजेंद्र जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप जिस सपनों के साथ यहाँ पर आए हैं वो सपना आपका साकार हो। धन्यवाद।